इंदौर में खुशी और गम के बीच दो परिवारों के घर चोरी हो गई। द्वारकापुरी और बाणगंगा इलाके में बीती रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों ही मामलों में आरोपियों की तलाश शुरू की है। पुलिस को एक परिवार में चोरी के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें संदेही की तलाश की जा रही है। पहला मामला द्वारकापुरी इलाके का है। यहाँ रहने वाले धीरज बैरागी ने बताया कि वह अपने परिवार को लेकर एक शादी में गए थे। देर रात ऊपरी मंजिल के रास्ते चोर घर में घुस आए। यहाँ चोरों ने 3 सोने की अंगूठी, 1 जोड़े टप्स, सोने के मंगलसूत्र और करीब 15,000 रुपए नकदी चुरा कर ली गए। रात में जब वह घर पहुंचे तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था। इसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। इसी तरह का एक मामला गमी से जुड़ा है। यहाँ सतीश प्रजापति निवासी महेश यादव नगर का परिवार रिश्तेदार के यहाँ गमी में गया था। इस बीच चोर ने उनके घर की सीमेंट की जाली तोड़कर अंदर घुस गया और घर में से करीब 3 लाख के सोने चांदी के जेवर और करीब 20,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक घर के पीछे की गली में लगे सीसीटीवी कैमरों में फुटेज पुलिस को हाथ मिले हैं, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति की साइकिल पर आते जाते दिखाई दे रहा है। फिलहाल हुलिये के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हाँ सर, मेरे घर की फैमिली एक नुक्ते के कार्यक्रम में गई थी सुबह 9 बजे, और क्या 2 बजे मैं 11:30 बजे ऑफिस के लिए निकल गया था। फिर जब घर की फैमिली आई, आके ताला खोल के जब देखा तो ईंट के टुकड़े पड़े हुए थे। और फिर देखा, ऊपर नज़र गई तो खिड़की टूटी पड़ी थी। और फिर जो अलमारी के अंदर जो बेंगल बॉक्स था वो पीछे वाले कमरे में पाया गया। तो फिर हमारी नज़र पड़ी कि फिर अलमारी खोल के देखी तो उसमें जो भी रकम वगैरह थी, हमारी गोल्ड की रकम थी, चांदी की रकम थी, वो 15,000 से 20,000 रुपये नगद राशि थी, वो सब लेके गए। तो कोई एक अज्ञात व्यक्ति साइकिल से जा रहा है और एक छोटे से बालक से तो पूछ क्या लगता है संभवतः सीसीटीवी। अब अपन ने उसका टोपी लगा रखी है, मास्क पहन रखा है, तो उसको जूम करके भी देखा तो उसमें कोई समझ में नहीं आ रहा अपन।